अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो कितने सालों में कितना कमाएंगे, ये सब आप सिर्फ कैलकुलेटर का यूज करके इन सबको ट्रैक कर सकते हैं। गाइस वेलकम बैक वंस अगेन, दिस वन इज उदित सोलंकी एंड यू आर वाचिंग यूटिक्स। गाइस इस कैलकुलेटर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको ट्रैक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो फिर इस पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का लेआउट मिलेगा। उसके बाद अगर आप नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालना होगा कि कितने रुपए से आप शुरू करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो चलिए हमने यहाँ पर 500 डाल के रखा हुआ, आप भी अपनी जरूरत के हिसाब से ये डाल लीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ इयर्स, कितने सालों तक आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ 10 साल तक हमें इन्वेस्ट करना तो हमने डाल दिया, आप भी अपनी जरूरत के हिसाब से डाल दीजिए। और उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हमने चूज कर लिए 15% या 10% 12% जो भी है वो आप चूज कर लीजिए। उसके बाद टोटल आप वैल्यू देखेंगे कितना आपको प्रॉफिट होगा, वो होगा 1,29,000 के ऊपर। तो देखिए इतना ज़्यादा फायदा होगा अगर आप इस वैल्यू को चेंज करते, तो उसी तरह फायदा भी आपको जो भी प्रॉफिट है जो इनमें टेन्योर है वो भी चेंज होता रहेगा। अब अगर इंस्टॉलमेंट यहाँ पर ट्रैक करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको इतने सालों के बाद इतने रुपए कमाने हैं तो कैसे करेंगे, तो टारगेट अमाउंट अपना जैसे कि हमें 50,000 रुपए कमाने हैं इतने सालों के बाद, तो हमने 50,000 रुपए डाल दिए। और नंबर्स ऑफ ईयर, कितने सालों के बाद हमें कमाने हैं, तो हमने 10 साल डाल दिया, हमें इतने सालों बाद 50,000 रुपये किसी भी हर हाल में चाहिए। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 15% हुए तो फिर आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि कितने रुपए से शुरू करें, तो यहाँ पर 192 रुपये इंस्टॉलमेंट आ गई, मतलब 192 रुपये से 10 सालों के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलते हैं तो हमारे 50,000 10 सालों में हो जाएंगे। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन भी आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको डालना होगा इन्फ्लेशन ट्रैक करने के लिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पीरियड को डालिए और फिर आपको नीचे आना होगा और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को डाल देना होगा। तो ये सब आपको करने के बाद आपको फिर से नीचे स्लाइड करना होगा, एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन यहाँ पर यस पे टैप पहले से ही रहेगा, उसको कोई छिड़काने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर नीचे के जो आपने इन्वेस्टमेंट पूरा किया होगा वो होगा 60,000, मतलब टोटल आपने इन्वेस्ट अमाउंट किया है 60,000 रुपये और फाइनल वैल्यू 97,000 के ऊपर आ रही है। तो देखिए इतना ज़्यादा फायदा होगा हमें अगर हम इस कैलकुलेटर का यूज़ करके ये देखते हैं कि आप फ्यूचर में कितना कमाएंगे अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में ये कैलकुलेटर आप सीधे ग्रो पे साइट पे जाके ट्रैक कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सीधे आप इस कैलकुलेटर पे आएंगे और ये सब चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।